इंसानी गतिविधियों का कोलाहल, वाइल्ड लाइफ के लिए तो ये आवाजें बर्दाश्त से बाहर हैं। कुदरती दुनिया में शोर शराबे का वाकई क्या असर पड़ता है, ये रिसर्च का अपेक्षाकृत नया फील्ड है। वेले और डॉल्फिने बहुत खास फ्रीक्वेंसी वाली आवाजों के जरिए कई किलोमीटर दूर से भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेती हैं। लेकिन इसमें आजकल काफी रोड़े अटकने लगे हैं। तेल की ड्रिलिंग, बड़े जहाजों की आवाजाही और सोनार डिवाइसों का इस्तेमाल के जरिए। इन जानवरों को आपस में कम्युनिकेट करने में मुश्किल हो रही है, फिर रास्ता भटक जाती हैं और तटों पर आकर फंस जाती हैं। जमीन पर भी लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा है। 100 डेसिबल या ज्यादा का शोर इंसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वाइल्ड लाइफ पर इसका विकराल असर पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर जानवर विभिन्न आवाजों के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। मेटिंग के लिए चहचहाते परिंदे शोर भरे माहौल में अपने बुलावे सुन ही नहीं पाते। स्टडीज के मुताबिक शोर भरी जगहों में मेटिंग की दर करीब 77% गिर जाती है, जंगल में ये 92% होती है। रिसर्चरों को डर है कि यही हाल रहा तो चिड़ियों की संख्या कम हो जाएगी। शोर के चलते पशु पक्षियों के शिकार करने के तरीके या उनके माइग्रेशन रूट बदल जाते हैं। एम्फीबियंस और कीट पतंगों को भी शोर बर्दाश्त नहीं, खासकर मधुमक्खियों को। वैज्ञानिक कहते हैं 100 डेसिबल से ऊपर के शोर में मधुमक्खियां करीब 20 मिनट तक हिलडुल नहीं पाती, पॉलिनेट भी नहीं कर पाती, ना ही शिकारियों से अपना बचाव कर पाती हैं। जहां सड़क निर्माण हो रहा हो उसके पास घास वाले इलाकों में टिड्डे नहीं मंडराते। एक प्रजाति की रवानगी दूसरे पशु पक्षियों पर बड़ा असर डालती है। जैसे टिड्डों के बिना चिड़ियों का कुछ खाना कम हो जाता है, उससे भी दूसरी प्रजातियां ही नहीं समूचा इकोसिस्टम प्रभावित होता है। वाइल्ड लाइफ पर नॉइस पोल्यूशन के असर को पूरी तरह समझने के लिए और स्टडीज की जरूरत है। लेकिन ये साफ है कि पर्यावरण के शोर का पानी, हवा और जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं की जिंदगी पर बुरा असर पड़ता ही है।